ये मैंने लुकास का स्टार्टर खोला है, महिंद्रा DI सरपंच जो ट्रैक्टर है उसका स्टार्टर खोला है। इसका ये रॉकर प्लेट है, ये इसको निगेटिव ब्रश आया हुआ है। निगेटिव ब्रश आप तो थोड़े से अच्छे है, मगर पॉजिटिव ब्रश ये देखो पूरा घिस गया हुआ है। इसका लंबाई ज़्यादा रहता है, कम्यूटेटर पे चल के घिस जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका रिप्लेसमेंट और शोल्डरिंग कैसे होता है ये जानेंगे। तो ये देखते रहे पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मालोदिया, अहमदनगर महाराष्ट्र से। ये मैंने लुकास का स्टार्टर का ब्रश लिया हुआ है, चार इसका ये सेट आता है। इसमें दो पॉजिटिव ब्रश रहते हैं, जिसपे स्लीव का इंसुलेट रहता है वो पॉजिटिव ब्रश रहते हैं, और ये दो नेगेटिव ब्रश रहते हैं। ये कार्बन से बनाया रहता है, इसलिए इसको कार्बन ब्रश भी बोलते हैं। ये टर्बो का है, अभी लेटेस्ट मॉडल का जो आता है ब्रश, ये एल टाइप में आता है। इसको मैंने फाइल से कट करके अच्छे तरह से घिसा हुआ है। जहाँ आप को शोल्डर करने का है वो जगह अच्छे तरह से फाइल से घिस के साफ किया हुआ है मैंने। ये देखो पूरा साफ किया हुआ है, तभी तो ये अच्छा से शोल्डर पकड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें जिस तरह से पहले ब्रश निकाले हुए अपन ने उसी तरह से इनको नया शोल्डर करना चाहिए। ये अभी नया निगेटिव ब्रश अपन ने शोल्डर किया हुए, ये कार्बन ब्रश रॉकर पे शोल्डर होता है। ये ब्रश बढ़िया अर्थिंग रहता है, ये इसलिए इसको शोल्डर करते टाइम ज़्यादा शोल्डर पिघलना नहीं चाहिए। ये अभी अभी अपन पॉजिटिव ब्रश शोल्डर कर रहा हूँ मैं, ये फिट कॉइल पे शोल्डर हो जाते हैं ब्रश। इसको अच्छे तरह से शोल्डर होना चाहिए।
और ये पॉजिटिव ब्रश रहते हैं, ये देखो पूरा अच्छे तरह से शोल्डर हो गया है। शोल्डर होने के बाद इसको अच्छे तरह से नज़र हाथ से खींच के इसको परफेक्टली शोल्डर हुआ कि नहीं इसकी जांच करना पड़ता है। ये देखो निगेटिव ब्रश परफेक्टली शोल्डर हो गया अभी।